स्टार्ट हो रही है। हम तो उसी के लिए जा रहे हैं, स्पेस इतनी दूर से आए इसी चीज के लिए। देखिए वो पिच पे रहता है तो बात ही कुछ है, कुछ भी कर सकता है। धोनी को अपनी आंखों से देखने का कीड़ा जो हमारे अंदर था उसको मिटाने के लिए हम भाई ट्रेन पकड़ के सीधा पहुंच जाते हैं लखनऊ, लखनऊ वर्सेज चेन्नई सुपर किंग के मैच को देखने। और जहां जो हमारे साथ जो घटना घटती है वो तो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल आ जाती है। करीब करीब हम 800 से 900 किलोमीटर तय करके पहुँचते हैं लखनऊ, और उसके बाद जो होता है वो आप देखो भाई। सुबह के बज चुके हैं करीब करीब 11 बजने के लिए, 10:39 हो चुके हैं। और वैसे तो 3 बजे से है मतलब एंट्री जो मैच की अपनी, 3:30 बजे से वहाँ पे जाके पता चलेगा इकन स्टेडियम जो कि लखनऊ में अवेलेबल है। बट क्या है ना, हमें थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा। रीजन है पहले तो हमें फ्लाइट टिकट लेनी क्योंकि हमने ऑनलाइन करवाई थी, और इसी के साथ हमें ये रूम भी चेंज करना है। रीजन है इसका जो ये अंदर वाला कंपार्टमेंट, ये रूम ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, बट ये अंदर वाला कंपार्टमेंट जो ना ये थोड़ा सा इज लाइक नॉट सेटिस्फाइड। सामान अगर हम रूम चेंज करना होगा तो सामान यहाँ से हमने पैक वैक कर दिया, उठा के ले चलेंगे। अगर यही रखना होगा तो यही कहीं रखा ही हुआ है। नरेंद्र ने लेट करवा दिया, 11:47 ऊपर आ चुकी है। तो भाई यहाँ पे अभी हमारी ऊबर आ चुकी है, और करीब करीब 13 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से जहाँ हम रुके हुए थे फॉर द स्टेडियम। लेट्स सी, देखते हैं कैसा रहता है फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ऑफ लखनऊ इक्कन क्रिकेट स्टेडियम का। भाई साहब बता रहे हैं कि यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होने वाली है, वहाँ जाके पता चलेगा अब तो जैसा भी रहेगा। नरेंद्र कितनी उत्सुकता है आपको बताता सीरी? अच्छा उठ के तो गया, अब तो गाड़ी लेके जाएगी तेरे को, मतलब इसको नहीं पता 11 कितने होते हैं। नरेंद्र इतनी दूर से चल के आया फिर भी मैच देखने के लिए, आपका तो लोकल स्टेडियम आपने आप तो देखते हो यहाँ पे? नहीं गया हूँ आज, लड़के हमारे दोनों गए। अच्छा हम तो DRS के सपोर्टर हैं ना, हम भी उसी माही भाई के लिए जा रहे हैं। उनका कम से कम धोनी को देखा तो जाएगा। हाँ यही तो, अब की बार वैसे भी बताया जा रहा है कि आखिरी बार खेल रहा है तो इसके लिए और ज्यादा आदमी जा रहे हैं। बहुत ज्यादा, हम तो उसी के लिए जा रहे हैं, स्पेस इतनी दूर से आए इसी चीज के लिए। देखिए वो पिच पे रहता है तो बात ही कुछ है, कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे क्या है ना, स्टेडियम से हमें थोड़ा सा पहले उतार दिया ऊपर वाले भैया ने, बोले कि ये टोटल जो रास्ता जा रहा है यही है स्टेडियम की तरफ का, और ये टोटल बंद है। देखो जैसा भी रहता है, अभी यहाँ से टी शर्ट हर चीज यहीं पे मिल रही है भाई। तो यहाँ पे भाई टी शर्ट मिल रही है 207 कितने रुपए की भाई ये पकड़ी ना रे भाई जाइए कैसा एक्साइटमेंट है ब्रो आपको? सभी माइज के फैन है ब्रो, यहाँ पे ना लखनऊ से ज्यादा माइज के ज्यादा फैन है सभी। देखो आपको पीला पीला कलर दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन टिकट भी अगर आप बुक करवाते हो तो भी आपको ऑफलाइन ऐसे पर्चियां निकलवानी पड़ेंगी, वो सब निकलवाने के बाद स्टेडियम की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो देखते हैं भाई लखनऊ में मैच है और यहाँ पे चेन्नई के ज्यादा सपोर्टर हैं। गेट पे आ गए, गेट नंबर 2 गेट 5 का दे रहा है, गेट के पीछे जाना पड़ेगा। और यहाँ पे मैच देखने आए लखनऊ में, और भीड़ ज्यादा है किसकी? चेन्नई की। ले ओ माय गॉड, हम आ चुके चेन्नई के शहर में शायद। ये मौसम यहाँ पे थोड़ी सी ऐसी तैसी कर सकता है, ये लग ही नहीं रहा कि लखनऊ में मैच है, लग रहा है चेन्नई में मैच होगा। देखो लखनऊ क्रिकेट स्टेडियम और धोनी की फैन फॉलोइंग, हर तरफ सिर्फ माही 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 दिखाई दे रहा है, और धोनी सेवन की टी शर्ट, उसके अलावा कोई टी शर्ट भी नहीं है। जब रब फैन भाई बारिश आ चुकी है, है? जब रब फैन हो गया। लखनऊ के साथ गद्दारी करता है। स्टेडियम में फर्स्ट है के अंदर, और यहाँ पे चारों तरफ से आप देखोगे तो माहौल लाइक नेक्स्ट अंदाज। यहाँ पे मैच चेन्नई
का सपोर्टर हो रही है लखनऊ का। अगर चेन्नई जीत गई ना जीतेगा ये बताना, ये बताओ चेन्नई जीतेगी या लखनऊ? ग्राउंड में देखोगे तो भी वहाँ पे काफी तड़ाके से बारिश आनी स्टार्ट हो चुकी है पूरा ग्राउंड पे भाई, कवर वावर बिछ के, और यहाँ पे भी सब लोग नीचे जाने लगे अपनी बारिश से बचने के लिए, क्या ही करें। चार की टू काइल मायर्स फुल ठाठा थड़ाम धड़ाम, यहाँ पे मजेदार सिस्टम हुआ पड़ा है, क्या ही नेक्स्ट लेवल वाइब चल रहे हैं भाई, हर तरफ मजेदार माहौल बना हुआ है। यहाँ पे मुंह छुपा लिया है गाइस, और मैच में यहाँ पे नेक्स्ट बंदा नेक्स्ट प्लेयर जाता हुआ, चेन्नई ने एक तरफा मैच कर रखा है, करण शर्मा आउट हो गया। जो ओवर की पांचवी गेंडी के साथ दीपक चाहर छठी गेंडी के साथ दीपक चाहर चार रन, ओ भाई साहब बारिश ने सारा माहौल खराब कर दिया पिच डग दी। हटाएंगे या क्या करेंगे, इंतजार ही चल रहा है सस्पेंस में, पहले एक बार लगे तो थे वो वापस वहीं बैठ गए, अंपायर जाएंगे वो कंफर्म करेंगे क्या रहेगा, कितने ओवर कम करेंगे जैसा भी रहेगा। लगन मायने मेज लगन मायने लग तो रहा भाई अब मैच का, पता नहीं क्या करेंगे, हर जगह अपने ये रोलर कोस्टर राइड्स घूमने लगे हैं पानी साफ करने के लिए। थी
पहली बारिश फिर से आ गई, वाह। अरे देख ले, तो भाई जोर और भी ज्यादा जोरों से पकड़ लिया है, लग नहीं रहा मैच होगा क्योंकि ऑलरेडी टाइम दिखाइए क्या बच गया, टाइम करीब करीब 6:30 के आसपास हो चुके हैं। जोर पकड़ लिया भाई, पैरों की देखोगे तो हालत क्या बताएं यार, इतनी दूर से चल के आए थे हम तो इतनी एक्साइटमेंट में, ऐसे बुरा हाल हो जाता है भाई। टोटल खाली हो चुका है हमारे वाला ब्लॉक, जो बिल्कुल ही तकड़े फैन है हमारी तरह, जबरा फैन भाई, भाई के जबरा फैन वो बचे हैं, बाकी ग्राउंड छोड़ के जा रहे हैं भाई। बुरा हाल हो गया यार, बारिश बहुत जोरों शोरों से पड़ रही है भाई साहब, सीटों का हाल देखो। बारिश ने सिर्फ मैच को रोका है बट स्टेडियम के अंदर जो वाइब्स थी, फील्स थी, मजे थे, वो अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। यहाँ देख रहे हो तो लोगों ने भाई अपने डांस इंडिया डांस का जो कीड़ा था वो दिखाना स्टार्ट कर दिया है। बारिश ने सारी की सारी ऐसी ऐसी कर दी, इतनी दूर से चल के आए थे उसके भी, तो जो स्टार्टिंग में सोचा गया था वो नहीं होगा क्या? नहीं नहीं होगा, लखनऊ ने अपना दम दिखा दिया। चेन्नई यहाँ के ग्राउंड में अभी भी चेन्नई चेन्नई चल रही है, लखनऊ के ग्राउंड में गद्दारी करते, गद्दारी करता है जिस टीम में दम होता है वो। बाहर तो जैसे कोई मंदिर, जय श्री राम भाई, आप सबको जय श्री राम याद आ गया। वो लाइट नहीं, वो माय गॉड, ये देख के सिस्टम है, मेक योर बैनर। साठ हजार लोगों में से आप कैसे निकलोगे स्टेडियम से, उसका एक बार अंदाजा लगाओ। वो एक्सपीरियंस लो, फोनों की बैटरी हमारी डेड हो चुकी थी, बड़ी मुश्किलों से वापस रूम पे पहुंचे हैं। वो क्लिप्स कहां से मैं लाऊं, कैसे लाऊं, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा। अगर फोन की बैटरी होती चार्ज
तो मैं आप सभी को दिखाता क्या नेक्स्ट लेवल वाइब थी। तो भाई इस लोग को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। हम 800-850 के करीब किलोमीटर हमारे भिवानी हरियाणा से लखनऊ गए थे और हमें एंडिंग में रिजल्ट मिलता है ये। बट जो मज़ा आया, फील आई, वो बहुत नेक्स्ट लेवल थी। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।